1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टैक्स के नियम। आधार कार्ड सहित 6 नियमों में होंगे बदलाव। निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ। सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और ऐसे में आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये बदलाव आपकी वित्तीय योजनाओं पर असर डालेंगे। तो आइए आपको बताते हैं इन बदलावों के बारे में, जो कि आधार कार्ड सहित इनकम टैक्स को लेकर जो 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया था। सबसे पहले बात करेंगे आधार से जुड़े बदलाव की। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। दरअसल अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट आईडी के इस्तेमाल की परमिशन नहीं होगी। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। सरकार ऐसा पैन कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए कर रही है। शेयरों के बायबैक पर टैक्स। 1 अक्टूबर 2024 से शेयरों के बायबैक पर शेयर धारकों को शेयरों की सरेंडर करने पर उससे होने वाले मुनाफे पर टैक्स चुकाना होगा, जैसे डिविडेंड पर टैक्स देना होता है। निवेशकों को शेयर के खरीदने पर जो लागत आई है उसे ध्यान में रखते हुए कैपिटल गेन या लॉस को ध्यान में रखा जाएगा। इससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड TDS। जैसे कि आप जानते हैं कि बजट में ये ऐलान किया गया था कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बॉन्ड या फ्लोटिंग रेट वाले बॉन्ड पर 1 अक्टूबर 2024 से 10% के दर से TDS डिडक्ट किया जाएगा, जो कि लागू होने जा रहा है। इस बदलाव के तहत बॉन्ड में निवेशक से होने वाली कमाई 10,000 रुपये से ज़्यादा है उस पर से 10% के दर से TDS का भुगतान करना होगा, लेकिन 10,000 रुपये से कम कमाई होने पर कोई TDS नहीं देना होगा। TDS रेट से जुड़े बदलाव। संसद में फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ TDS रेट्स में बदलाव को मंजूरी मिल गई थी, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। इनकम टैक्स के सेक्शन 19DA, 19(4)H, 194(4)H, 194(IB), 194(M) के तहत TDS रेट को घटाकर 5% से 2% कर दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS रेट को घटाकर 1% से 0.1% कर दिया है। वहीं CBDT ने ऐलान किया है कि इनकम टैक्स से जुड़े लंबित मामलों के सेटलमेंट के लिए डायरेक्टर टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 1 अक्टूबर 2024 से अमल में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टर टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विवादों के मामलों में लंबित अपीलों को का निपटारा करने के लिए DTVSV 2024 की घोषणा की है, जो कि अब 1 अक्टूबर 2024 से योजना लागू की जाएगी। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए शेयरों के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। STT को मौजूदा लेवल 0.1% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएगा। यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करने पर निवेशकों को ज़्यादा टैक्स चुकाना होगा। फाइनेंस बिल के पारित होने के साथ साथ ये इनकम टैक्स में ये संशोधन पारित हो गया था।